यस, गुड मॉर्निंग क्लास. वेलकम टू एसडी कॉमर्स करियर सेक्टर 10 पंचकुला. दिस इज सीए धीरज गोयल हेयर एंड होप सो यू आर डूइंग वेल. इन द लास्ट लेक्चर सर, ऑडिटिंग के हमने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स करे थे. दैट मींस डेफिनेशन ही अभी हमने रीड आउट करी थी एंड कुछ फीचर्स हमने ऑडिट के बारे में रीड आउट किए थे कि बेसिकली सर ऑडिट के फीचर्स क्या हैं. तो नंबर वन जो हमने कॉन्सेप्ट किया दैट इज अबाउट ऑडिट. कि नॉर्मली सर ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, क्लियर, ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. यू से कि बेसिकली जो आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है सर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, एक ऐसे पर्सन के द्वारा एग्जामिनेशन होना जो प्योरली इंडिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर दैट मीन्स कंपनी का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, मैनेजमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, प्योरली वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी रिपोर्ट क्या करे, प्रोवाइड करे. सर हालांकि लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक दो दिन पहले ही प्रोवाइड किया था, अब ज्यादा ही थोड़ा सा स्लो हो गया था. डोंट वरी, अब नेक्स्ट ऑन अगला लेक्चर मैं आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूं सो दैट आप टाइमली ग्रुप वन एंड ग्रुप टू को भी क्या कर सकें, साथ में अलाइन कर सकें. क्लियर. सो आज के लेक्चर के अंदर सर ऑडिटिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, जिसमें नए नए टॉपिक्स आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा, जिसमें से नंबर वन टॉपिक है अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स. दैट मींस सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आपके ऑडिटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट. सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, चलो ठीक है सर, नॉर्मली आपने मीनिंग बताया कि इंडिपेंडेंट मींस सर विदाउट एनी इन्फ्लुएंस. दैट मींस बिना किसी दबाव में आके, बिना किसी के प्रेशराइज में आके मैं अपनी रिपोर्टिंग, अपनी ओपिनियन क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा. सर जैसे कि ऑडिटर की आपने ड्यूटी बताई कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, टू मेक रिपोर्ट. एंड इवन लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको रिपोर्ट भी, एक स्पेसिमेन भी दिखाया था ऑनलाइन की. बेसिकली सर हमारी जो रिपोर्टिंग होती है कंपनी के रिलेटेड, कि जिसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेनली ऑडिटर्स की ओपिनियन विद रिगार्ड टू द बैलेंस शीट, विद रिगार्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एंड विद रिगार्ड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो वो ओपिनियन भी मैंने आप लोगों के साथ क्या की थी, प्रैक्टिकली शेयर की थी. आइए सर आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट आगे जो कॉन्सेप्ट हमारा था सर, नेक्स्ट आगे एक मिनट जस्ट, यस, ऑडिटिंग चैप्टर नंबर वन. हम लोग सर बिल्कुल सर ये स्टार्टिंग से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट के डेफिनेशन, क्लियर, ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द सेक्शन 129 एंड 143 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ऑडिटर की ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट. एंड आज हमारा जो टॉपिक है मेनली दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिट. दैट मीन्स सर अगर हमने ऑडिट करवाना भी है तो आप एक बार बार वर्ड यूज कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ सर, दैट मीन्स वेरियस अलग अलग जगह जगह जब जहां पे आपने इंडिपेंडेंस डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिट. तो आइए इंडिपेंडेंट ऑडिट की डेफिनेशन यहां पे पढ़ें. सबसे पहले इंडिपेंडेंस मीन्स द जजमेंट ऑफ अ पर्सन. मेरी सर जो जजमेंट है, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेज ऑफ अनदर पर्सन. इट रिक्वायर्स दैट ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस. मतलब सर मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है. अगर आप कह रहे हो कि मैं आपकी फेवर में ही बात करूंगा या मैनेजमेंट का मेरे ऊपर कंट्रोल है, तो वो नॉर्मली जिस तरह की रिपोर्टिंग मेरे से चाहे उस तरह की रिपोर्टिंग बनवा सकते हैं. ऐसा नहीं है सर, मैं बिल्कुल पार्शियल होके, इम्पार्शियल होके क्या करूंगा, काम करूंगा. ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे दैट मीन्स आपकी मैनेजमेंट की ही फेवर में हमेशा रिपोर्टिंग प्रोवाइड करूंगा और यूजर्स को गलत रिपोर्टिंग दूंगा. ऐसा काम कभी नहीं होगा. मतलब मैं किसी के दबाव के अंदर नहीं हूं, मेरा किसी भी तरह का उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट नहीं है. यार सिंपल सी बात सर, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका किसी भी तरह से कोई इंटरेस्ट है, देन आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा. चाहे वो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, चाहे वैसे आपकी क्लोज रिलेशनशिप हो, या कोई भी कारण है, बट अगर आप किसी भी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं, देन आप कभी भी कंपनी के अगेंस्ट, कभी भी कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्टिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे. और यही हम नहीं चाहते. हम तो ये चाहते हैं कि आप रिपोर्टिंग ऐसी प्रोवाइड करो कि बेसिकली जो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस हो, एंड नॉट सबॉर्डिनेटेड बाय द विशेज ऑफ अनदर पर्सन हो. क्लियर. दस ही कैन वर्क इन अ कंप्लीट अनबायस्ड मैनर. सर तीन वर्ड यूज किए गए यहां पे. नंबर वन इज अनबायस्ड.
नंबर टू विदाउट एनी इन्फ्लुएंस एंड नंबर थ्री नॉट सबऑर्डिनेटिंग टू द विशेज ऑफ द अनदर. कि बेसिकली सर ऐसा ही नहीं है कि मैं दूसरे की विशेज के अकॉर्डिंग टू अपनी रिपोर्टिंग प्रोवाइड करूंगा, जो मेरे मन में आएगा मैं वो रिपोर्टिंग प्रोवाइड करूंगा, तब जाके मैं इंडिपेंडेंट कहलवा पाऊंगा, अदरवाइज सर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं. क्लियर. नेक्स्ट इज सर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. द नीड फॉर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इज प्रोवाइडेड इन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सर पहली बात तो जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जो बेसिकली पूरी ऑडिटिंग को गाइड करते हैं, पूरी ऑडिटिंग का बेस बनते हैं, सर उसी में लिखा हुआ है कि ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो नेचुरली सर स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है तो आपको बात माननी पड़ेगी. नेक्स्ट इज द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन टू एंश्योर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 141 ने कहा हुआ है. तो मैं आपको ये वेरियस बता रहा हूं कि जैसे कहां कहां पे ये चीज लिखी हुई है. सर एक तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने बोल दिया, ऊपर से कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 ने बोल दिया, एंड सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है हमारा 1949 का जो एक्ट है, सर उसमें भी ये रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट. अरे सर आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि नॉर्मली अगर कोई ऐसा पर्सन मेरी बुक्स को एग्जामिन करने आएगा तभी जाके मुझे कोई रियल पिक्चर पता लगेगी, तभी मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू का पता लगेगा. अदरवाइज सर अगर वही पर्सन जो एग्जामिन करने आया, जो ओपिनियन देने आया, अगर वही पर्सन मैनेजमेंट के साथ मिल गया तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ, फिर मैं आपको अपॉइंट क्यों करूंगा, फिर तो मैनेजमेंट जो कह रही थी वही सही था, तो मैंने एक्स्ट्रा बाहर से पर्सन बुला के इतनी एग्जामिनेशन करवाई क्यों करवाई, क्योंकि सर मेरा मोटिव सिर्फ एक था कि मैनेजमेंट ऑनर्स के साथ कोई गलत काम ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट ऑनर्स के साथ क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है. इसी चीज की सही रिपोर्टिंग के लिए मैंने एक इंडिपेंडेंट पर्सन बाहर से बुलाया था. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाई इंडिपेंडेंस. अरे सर इसका क्या कुछ जवाब है, नॉर्मली कितनी बार तो पूछ चुके. इफ ऑडिटर मेंटेन्स हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को है कि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, दैट मीन्स उनकी वैल्यू. अब नॉर्मली सर बैंक्स के अंदर कई बार नॉर्मली क्या कहते हैं, बैंक जब भी लोन पास करेगा वो कहेंगे सर ऑडिटेड बैलेंस शीट लेके आना. मैं कहा जी हाँ बैलेंस शीट है हमारे पास. मैं कहा सर बैलेंस शीट नहीं, ऑडिटेड बैलेंस शीट लेके आना जिसपे सीए की स्टैंप लगी हो, सीए के साइन हुए हो. हम सिर्फ उतनी एश्योरेंस आपसे मांगेंगे. क्यों सर, अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट है ना, हमारे मन में एक विश्वास होता है कि नॉर्मली जिस भी बंदे ने ऑडिट किया होगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स किया होगा, दैट मीन्स बेस्ट टू द बेस्ट अगले ट्रीटमेंट क्या करवाए होंगे, सही करवाए होंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं. हम तो जस्ट ये कहेंगे सीए स्टैम्प्ड है, सीए साइंड है, बस बात खत्म. दैट मींस सर हमारे साइन करने से, एक सीए के साइन करने से उस बैलेंस शीट की, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज. दैट मींस उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उनमें रिलायबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है. दैट मींस हमें विश्वास होना शुरू हो जाता है कि वो चीज बिल्कुल सही है. क्लियर. एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल स्टेक होल्डर. सर अगर इस तरह की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, इस तरह की इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट होगी, तो वो हर जगह हर स्टेक होल्डर इजिली क्या करेगा एंड हैप्पीली क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज सर ये इंडिपेंडेंस का, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, क्लियर है, इंडिपेंडेंट ऑडिट का बेनिफिट क्या है मैनेजमेंट को. दे कैन इजिली जज रीजंस फॉर लॉसेस अलॉन्ग विद द reasons एंड ट्राई टू कंट्रोल इट. नेचुरली सर वो reasons पता कर सकते हैं कि हमारे लॉस का कारण क्या है. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज दे कैन इंश्योर जर्नल रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. बेसिकली सर ऑडिट अगर होगा तो हमें भी अपनी एक अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर हमारी क्या होगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ हमने जो अकाउंटिंग सिस्टम लगा रखा है वो बहुत ही बेटर सिस्टम लगा रखा है. इंप्लॉयज को क्या बेनिफिट होगा, इट डिस्करेजेस देम फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स. अगर इंप्लॉयज को पता है कि नॉर्मली हमारा ऑडिट होगा तो इंप्लॉयज भी कभी भी फ्रॉड करने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है सर बंदा फ्रॉड कहां करेगा, जहां पे उसको कोई पूछे ना, जहां पे उसके ऊपर कोई सुपरविजन ना हो या उसकी चेकिंग ना हो, मॉनिटरिंग ना हो. तो सर यहां पे तो इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा, जो ऑडिटर होगा वो तो एक एक पॉइंट क्या करेगा, चेकआउट करेगा. तो जो आपके इंप्लॉयज होंगे वो भी कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे, वो कभी भी नेचुरली फ्रॉड करने के लिए कभी भी वो इंसिस्ट नहीं होंगे, वो कहेंगे रहने दो पकड़े जाएंगे. मैनेजमेंट को ना पता लगे अलग बात है, ऑडिटर ने अगर पकड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा. क्लियर. इट डिस्करेजेस देम फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड
एज इट एक्ट एज अ मॉरल चेक। सर ये ऑडिट अपने आप में क्या है, एक मॉरल चेक है ऑन द इम्प्लॉयज की। नॉर्मली एक तरह का सर, हम मैं भी कहूंगा अगर मैं कह रहा हूं जी मेरे वर्क को चेक किया जाएगा तो मैं कभी भी अपने काम में गलती नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी मिस्टेक नहीं करूंगा, क्यों, मुझे पता है कि मेरे काम को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। क्लियर। दे कैन जज रीजनेबलनेस ऑफ पेमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सैलरी एंड बोनस। सर एक्चुअली जो हमने स्टार्टिंग का टॉपिक रीड आउट किया था जहां पे आपने यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, वही टॉपिक ये दोबारा रिपीट किया गया, बट हल्का सा उसको क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। यस, लेंडर्स को क्या बेनिफिट है सर, बैंकर्स कैन प्लेस रिलायंस ऑन द, आगे ना वर्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए जिसके ऊपर सीए के साइन हो, सीए ने स्टैंप लगाई हो, ताकि हम ये एश्योरेंस हो कि ये ऑलरेडी वेरीफाइड है एज पर द लॉस। दैट मीन्स जिस भी सीए ने इसको स्टैंप साइन किया होगा, जिस भी सीए ने इसको वेरीफाई किया होगा, उसने एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग टू ऑडिट किया होगा। क्लियर। वाइल मेकिंग डिसीजन अबाउट क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ लोन एप्लीकेंट्स, मतलब जो मेरे पास लोन एप्लीकेंट आया, मैं अगले को कहूंगा कि मुझे आपकी क्रेडिट वर्थीनेस चेक करनी है कि आपकी कैपेबिलिटी है लोन रीपे करने की। दैट मीन्स क्या आपकी उतनी सेल है, क्या आपका उतना प्रॉफिट है, क्या आपके उतने कैश फ्लोज हैं। तो ये सारी चीज मैं आपकी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से क्या करूंगा, चेकआउट करूंगा। इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग लोन द ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ बोरोर हेल्प द लेंडर टू जज रिकवरेबिलिटी ऑफ देयर फंड्स। सर वैसे भी आपको लोन देने में प्लस उसकी रिकवरेबिलिटी करने में सारी जो असेसमेंट होगी वो कहां से मिलेगी, सर इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट इज फॉर कंप्यूटिंग टैक्स। नेचुरली सर अगर आपने कोई भी कंप्यूटेशन करनी है एक्साइज ड्यूटी की, या कोई भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, या डिटरमिन करना है इनकम टैक्स को, तो वो सर ऑडिटेड बैलेंस शीट से ही आपको क्लियर होगा। ऑनर्स को क्या मिलेगा, सर दे गेट द रियल पिक्चर। रियल पिक्चर मीन्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अर्नड फ्रॉम सच स्टेटमेंट। दे कम टू नो अबाउट देयर शेयर इन प्रॉफिट की एक्चुअली हमारा कितना हिस्सा बनेगा प्रॉफिट्स के अंदर, एंड वो एक डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार तो हमारे प्रॉफिट्स अच्छे खासे हैं। दैट मीन्स क्या हमें डिविडेंड इस बार मिलेगा, नहीं मिलेगा, या प्रॉफिट के अंदर हमारी कितनी शेयरिंग आएगी, सर उस चीज की असेसमेंट करने के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्या करेंगी, काम करेंगी। इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन, सर जब भी कोई डिस्प्यूट पड़ता है तो डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए, लेट इट बी पार्टनर्स का आपस में कोई चक्कर पड़ गया, कैपिटल को लेकर रौला पड़ गया, कोई डिसीज्ड पार्टनर का केस था, वट एवर जो भी था, या रिटायरिंग पार्टनर का, तो उस टाइम पे डिस्प्यूट के टाइम पे जब भी कोई आर्बिट्रेशन होगी तो उस आर्बिट्रेशन में कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस माना जाएगा, कौन से अकाउंट्स को सच माना जाएगा, जो आपके लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग टू आपके बैलेंसेस क्या माने जाएंगे, सच माने जाएंगे। क्लियर। ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हेल्प इन सेटलिंग क्लेम्स। सर इंश्योरर के लिए सर लॉस या डैमेज, क्लियर, जो भी आपको हुआ, इट हेल्प्स द इंश्योरर टू सेटल द क्लेम। इवन सर इंश्योरर के केस में भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। एंड फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, सर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर लिए तो है ही है पास्ट ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट्स। आप तो कुछ नहीं सर, कंपनी की वेबसाइट पे जाओ या कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वहां पे जाओ, और जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं उनको क्या करो, चेकआउट करो, ट्रेंड फाइंड आउट करो, और देखो कि कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा है या नहीं। दैट मीन्स अब एक वर्ड लग चुका क्या कि सर अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। सर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए जो बेसिकली सीए की स्टैंप एंड साइंड होंगे, स्टैंप एंड साइंड। समटाइम्स इवन जिस बंदे का ऑडिट नहीं भी होता ना, जिस बंदे का ऑडिट नहीं भी होता, बैंक वाले तब भी कहते हैं कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको सीए के द्वारा स्टैंप साइन करवा के लेके आओ, तब जाके हम उसको क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। क्योंकि सर नेचुरली आपको एक वर्ड बोल चुका ना कि जो यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस है, तो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही क्या माना जाता है, हमेशा बेस माना जाता है। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल टॉपिक था यहां तक। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। सर बेसिकली आप ये बात बताओ, चलो ठीक है सर, कहने को हर पर्सन कहता है जी मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है कि मैं कौन सा किसी के प्रेशर में आके वो रिपोर्टिंग प्रोवाइड करूंगा या ओपिनियन प्रोवाइड करूंगा। तो सर
कहने का मतलब मेरी इंडिपेंडेंस को लेके, ऐसी कौन सी थ्रेट्स हैं, ऐसे कौन सी थ्रेट्स हैं जो आ सकती हैं मेरी इंडिपेंडेंस को लेके, या मैं जब किसी के प्रेशराइज में होके रिपोर्टिंग प्रोवाइड करूंगा, मैं किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आके क्या करूंगा, रिपोर्टिंग प्रोवाइड करूंगा, ऐसी कौन सी थ्रेट्स हैं मेरी इंडिपेंडेंस को लेकर। तो आइए वन बाय वन, सबसे पहले यहां पे वर्डिंग हल्की सी थोड़ी ब्रीक लिखी हुई है बट बुक्स आपके पास हैं। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेज ऑफ अनदर पर्सन एंड ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। बिल्कुल सर, ये तो हम पीछे रीड आउट कर चुके कि मैं किसी के दबाव के अंदर नहीं एंड किसी की विशेष के अकॉर्डिंग टू मैं रिपोर्टिंग प्रोवाइड नहीं करूंगा। मेरे मन में जो आएगा, मेरे दिमाग में जो आएगा, मैं वही एग्जैक्ट ओपिनियन आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। ठीक है सर। एज पर द रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग द ऑडिट शैल बी परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सर पढ़ा चुके आप। आईसीए हैज इशूड अ गाइडेंस नोट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर विच स्टेट्स दैट द ऑडिटर शुड बी फेयर एंड अनबायस्ड। सर ये तो आप बता चुके बट ये बता तो दो कि अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ, या कहने का मतलब वो बायसनेस कब होगी। सर अनबायस्ड समझ गए कि मतलब इम्पार्शियल होके विदाउट एनी पार्शियलिटी आप अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। बट सर ऐसे कौन से चांसेस हैं, कौन से ऐसी थ्रेट्स हैं जो मेरी इंडिपेंडेंस के ऊपर लगेंगी। यस, ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट। बेसिकली सर अगर आप किसी भी तरह से कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्लियर, देन ही कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मतलब विदाउट एनी पार्शियलिटी, अनबायस्ड मैनर, एंड हिज ऑडिट रिपोर्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो फिर उसको खुशी खुशी सारे स्टेक होल्डर्स क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। हाउएवर देयर कैन बी सम थ्रेट्स विच मे हैम्पर हिज इंडिपेंडेंस, जो बेसिकली आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर भारी पड़ेंगी। कुछ थ्रेट्स इस तरह की हैं। दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलो वन बाय वन। नंबर वन इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या हुई? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होने का मतलब सर मेरा ही खुद ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इंटरेस्ट है। दैट मींस मेरा कोई पिक्यूलियर, या कहने का मतलब पिक्यूनरी वर्ड बोलते हैं, या आप वर्ड बोल सकते हो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कि आपका कंपनी में किसी भी तरह से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। क्लियर। दीज थ्रेट्स अराइज वेयर अ प्रोफेशनल्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट विद हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। दैट मींस सर मेरी तो प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि उस फ्रॉड को रिपोर्ट करना या उस मिस्टेक को सही करवाना, बट मैं क्या करूं सर, मेरे आगे मेरा एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैंने इस तरह की गलत रिपोर्टिंग कर दी तो वहां से कंपनी के अंदर से इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डाउन होगी, एंड डाउन होने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो नेचुरली मेरा तो भी खुद का पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है। तो दैट मींस सर आप कंपनी में सेल्फ इंटरेस्टेड हो, जिसके बारे में आप रिपोर्टिंग प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके बारे में आपने ओपिनियन प्रोवाइड करनी है, अरे तुम तो खुद उस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्टेड हो। अगर कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, डिविडेंड्स कम होंगे तो डिविडेंड तेरा तो भी कम होगा। तो इसे वर्ड क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होना। दैट मींस मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट है विद किसके साथ, मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ। अब मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करूं या मैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करूं, क्योंकि नेचुरली मेरे माइंड में कंफ्लिक्शन आ गई ना। क्लियर। एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स व्हाइल वर्किंग एज ऑडिटर मे बी एज फॉलोइंग। सो लाइक होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, आपका तो खुद क्लाइंट में क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। लोन और गारंटी गिवन टू अ क्लाइंट, या उनसे ले रखी है, उनको दे रखी है, तो आपका तो पैसा मॉनेटरी मैटर तो वहां पे आ गया, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप इंडिपेंडेंट हो। क्लियर। या इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट, समटाइम्स ये भी होता है कि अगर मान लो मैंने अपने क्लाइंट को नाराज किया तो मे बी ऐसा नहीं हो सकता कि मे बी क्लाइंट ही चला जाए, अरे साल की मुझे 5 लाख रुपए फीस देता बंदा, मैंने क्यों पंगा लेना। कोई बात नहीं, क्या कोई एक सर्टिफिकेट साइन करना है, एक रिपोर्टिंग करनी है, कर देंगे, 5 लाख तो दे रहे ना साल का। अगर इस तरह की रिपोर्टिंग प्रोवाइड ना करी, मे भी शायद वो अपना काम किसी और सीए के पास ले जाए, नहीं नहीं सर मेरे को 5 लाख देखना है, सिंपल सी बात है, मेरे को ऑनर्स की नहीं पड़ी। मतलब मैं नॉर्मली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर हूं, मैं इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रहा, मैं किसी दबाव के अंदर आके क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज कंटिंजेंट फीस फॉर द कंसल्टेंसी और ऑडिट असाइनमेंट। क्लियर कि नॉर्मली सर आपकी तो फीस ही बहुत पेंडिंग पड़ी है,
ये नहीं पता कि अगर मान लो मैंने कोई गलत काम वहां पे कर दिया या मे बी आपको किसी बात से नाराज कर दिया, आप मेरी सारी फीस मार लोगे जितनी भी पेंडिंग पड़ी है, या कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है हमारे क्लाइंट के साथ. इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू आर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन योर क्लाइंट, क्लियर, तो आपका और आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी का जो बेसिकली कंफ्लिक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स. अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करेंगे या आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करेंगे. बट सर, देयर इज अ कंफ्लिक्ट, यहां पे थ्रेट एंटर हो चुकी है कि बेसिकली सर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे. क्यों? आपके माइंड में ये चीज आ चुकी, तो बेसिकली आप हमेशा फेवर के बारे में ही सोचोगे. क्लियर. नेक्स्ट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट. सर ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंस की थ्रेट है. इसका मतलब क्या हुआ सर? अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट अकर्स व्हेन द सेम प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू एनी वर्क. एक ऐसे वर्क को रिव्यू करना हु एक्चुअली कैरिड आउट दैट वर्क. अरे जिसने वो काम किया, मैंने ही काम किया और मैं ही ऑडिट करूं? सर मैं कभी अपनी गलती निकालूंगा? बताओ. जो काम मैंने खुद करवाया, मैंने कहा जी इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, इस वे से आप ये प्लानिंग करो, मैंने खुद वो काम करवाया और आज उसी का मुझे ऑडिट करने को बोल रहे हो, तो मैं कभी अपनी गलती नहीं निकालूंगा. अरे क्यों गलती निकालूंगा? वही काम तो मैंने कर रखा है. कोई पर्सन अपने काम में अपनी गलती निकालता है? सर मेरे काम में कोई दूसरा पर्सन गलती निकाल दे ये तो पॉसिबल है, बट मेरे काम में मैं ही गलती निकाल लूं ये पॉसिबल नहीं है. मैं क्यों एडमिट करूंगा कि मेरे काम में गलती है? मैं तो कभी नहीं एडमिट करूंगा. दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि सर आपको वही चीज रिव्यू करने को दी जा रही है जो बेसिकली आपके द्वारा ही करी गई थी. फॉर एग्जाम्पल सर, क्लियर, सच अ थ्रेट अटैक्स द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द प्रोफेशनल. सर ये जो काम आप बेसिकली मुझसे चेकआउट करवाने की बात कर रहे हो, सर मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव होके ये काम नहीं कर पाऊंगा. अरे यार अपने काम में मैं खुद अपनी गलती निकालूंगा. किस वे से कह दो कि मैं अनबायस्ड हूं? आप कैसे कह दो कि मैं इम्पार्शियल होकर अपनी गलती निकालूंगा? सर प्योरली पार्शियलिटी चलेगी. मैं कभी नहीं शो करूंगा, मैं कभी भी ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा वहां पे. ऑब्जेक्टिविटी मतलब विदाउट एनी पार्शियलिटी, सर पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, डिटेक्शन ऑफ एन एरर आफ्टर सबमिशन ऑफ हिज रिपोर्ट, या फिर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द सेम प्रोफेशनल हु हैड डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड द अकाउंटिंग सिस्टम. वाह भाई, तुमने ही अकाउंटिंग सिस्टम बनाया, तुम्हारे अकॉर्डिंग टू ही बुक्स बनी और आज तुम ही उनका ऑडिट करने जा रहे हो, तो सर कैसे आप अपनी गलती निकालोगे बताना? सारा सिस्टम तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू चला, पहले दिन से तो तुम्हारी सलाह बीच में थी, तो जब काम ही तुम्हारे अकॉर्डिंग हुआ तो आप कैसे कह दो कि आप अपनी गलती बाहर निकालोगे? क्लियर. या ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द सेम प्रोफेशनल हु हैड प्रिपेयर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वाह जी वाह, तुम निकालो गलती, निकालो अकाउंटिंग की गलती, निकाल के दिखाओ कि आपने ये ट्रीटमेंट सही नहीं किया. अरे गुरु जी आपने तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए और आप ही इसका ऑडिट कर रहे हो, तो कभी आप गलती निकालोगे? कभी नहीं निकालेंगे. तो आप कैसे कह दो कि सर आपका ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिट है? आप तो सर सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आते हो गए, आप तो एक दबाव के अंदर आते हो गए. क्लियर. अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर और सीनियर इंप्लॉय ऑफ द क्लाइंट. नॉर्मली सर उस केस में अब मैं ही उस कंपनी का डायरेक्टर था पहले, या मैं ही उस कंपनी का एक सीनियर इंप्लॉय था और आज मैंने आपकी फर्म ज्वाइन कर ली, सीए फर्म ज्वाइन कर ली, तो मैं अपना किया हुआ काम खुद चेक कर रहा हूं. अरे सर कैसे वर्ड बोल दोगे कि तुम अनबायस्ड होके काम करोगे? मतलब ही नहीं सर, वहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगी ही आएगी. नेक्स्ट इज एडवोकेसी थ्रेट्स. एडवोकेसी मीन्स सर दीज थ्रेट्स अराइज व्हेन अ प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज सबमिशन. बेसिकली आपको कुछ अपनी सबमिशन देनी है विद रिस्पेक्ट टू हिज क्लाइंट्स पोजिशन, सच दैट द प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी मे बी कॉम्प्रोमाइज. जहां पे आपकी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी क्या हो रही है? कॉम्प्रोमाइज हो रही है. अब लेट इट बी सर, किसी पर्सन ने कहा जी मुझे रिपोर्टिंग प्रोवाइड करो कि सीए के द्वारा लिखवा के दो कि आपकी इतनी टर्नओवर है. अब मैंने भी सर क्या करूं, क्लाइंट के चक्कर में, क्लाइंट के दबाव में आके मैंने भी सर्टिफिकेट्स बना के दे दिए कि इनकी नेटवर्थ इतनी है जी, इनकी टर्नओवर इतनी है, इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, या ये साउंड है,
सो दैट इनको लोन मिल सके, इनको कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सके, इनको कोई ना कोई टेंडर नए नए मिल सके, तो मुझे एडवोकेसी देनी पड़ी ना वहां पे, दैट मीन्स इनको रिप्रेजेंट करना पड़ा ये चीज. फॉर एग्जाम्पल द प्रोफेशनल बिकेम अ विटनेस वेयर अ पार्टी टू लिटिगेशन इज हिज क्लाइंट. सर मान लो क्लाइंट का कोर्ट में कोई केस चल रहा था, कोर्ट में क्लाइंट का कोई केस चल रहा था एंड वहां पे मेरी गवाही की जरूरत थी, वहां पे सीए की विटनेस जरूरी थी कि नॉर्मली कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा कि कोई विटनेस हो, तो वहां पे मुझे बुलाया गया, तो मैं कभी क्या क्लाइंट के अगेंस्ट बोलूंगा? मैं तो हमेशा अपनी क्लाइंट की फेवर करूंगा, मुझे दूसरे पर्सन से क्या लेना, चाहे वो कितना ही गलत हो कितना ही सही हो हमें कोई मतलब नहीं है, मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट की ही फेवर में बात करूंगा क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है ना, मैं दूसरे बंदे को थोड़ी जानता हूं, मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट के बारे में सोचूंगा. क्लियर? अ प्रोफेशनल एक्ट्स एज एन एडवोकेट इन लिटिगेशन फॉर अ क्लाइंट. तो नॉर्मली सर जब आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे आप एडवोकेट की तरह एक्ट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर मैं तो अपनी क्लाइंट की फेवर लूंगा, मैं कभी दूसरे पर्सन की फेवर में लूंगा. इवन इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, ज्वाइंट कमिश्नर के सामने, जितने भी आपके ये इनकम टैक्स ऑफिस के केसेस होते हैं, तो नॉर्मली उन केसेस में मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, तो मैं हमेशा क्लाइंट के बिहाफ पे ही बात करूंगा, चाहे मेरा क्लाइंट गलत है चाहे मेरा क्लाइंट सही है. क्लियर? तो सर वहां पे आपकी इंडिपेंडेंस कहां पे गई? आपने कौन सा इम्पार्शियल होके काम किया? सर वहां पे तो भी आपने पार्शियलिटी करी, बट सर करूं क्या, है तो मेरा क्लाइंट है ना वो. यस. नेक्स्ट इज, या फिर सर कोई फैमिलियरिटी थ्रेट्स लाइक अकर्स वेयर अ प्रोफेशनल टू रेडली एक्सेप्ट्स अ क्लाइंट्स व्यू पॉइंट इवन दो ही हैज नॉट गैदर्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सर एक्चुअली तो वर्ड ये चलता है ऑडिट एविडेंस के रिलेटेड, ये वर्ड चलता है कि हमेशा सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए ऑडिटर को, हर बात के लिए, हर चीज के लिए आपको सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट. सफिशियंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी. क्लियर? सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको इकट्ठे करने चाहिए, बट सर आप इकट्ठे कर नहीं रहे, और जैसा मैनेजमेंट ने कह दिया या जैसा क्लाइंट ने कह दिया आपने मान लिया, तो सर जबकि सर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपकी अप्रोच यहां पे इन्वेस्टिगेशन की तरह होनी चाहिए कि नहीं सर प्रूफ रखो मेरे सामने, ये थोड़ी है सर आपने कह दिया मैंने मान लिया. बट अगर ऐसी कोई बात है तो दैट मींस सर आप फैमिलियरिटी थ्रेट के अंदर हो, अगले का होल्ड है आपके ऊपर, और अगले का अगर होल्ड है आपके ऊपर तभी आप उसकी बात मान रहे हो ना. लेटर भी मैंने पूछा था 10,000 का खर्चा कैसे हुआ, इसका बिल कहां पे है? ओ बस नॉर्मली हमारे एक पार्टी हुई थी तो वहां पे कैश खर्चा था, तो उसका बिल हमने इकट्ठे नहीं किए इतने ज्यादा, नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, जैसा आपने कहा मैंने मान लिया. आपने क्या वहां पे एविडेंस इकट्ठे करने की कोशिश करी? नहीं करी सर. क्लियर? बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ हिज क्लोज रिलेशनशिप, दैट इज फैमिलियरिटी विद द क्लाइंट और ट्रस्ट इन द क्लाइंट. दस व्हेन क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसेस, क्लियर, influences the judgment of professional, यहां पे actually professional के बाद कॉमा आना चाहिए, influences the judgment of professional, it results in familiarity threat. Examples, sir a professional having a close relationship with the director of a company, बिल्कुल. अब कंपनी का जो डायरेक्टर है, कंपनी के डायरेक्टर के साथ मेरे बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, जैसा उन्होंने कह दिया मैंने मान ली, नो इफ नो बट, मैंने फालतू पूछा नहीं, अगले ने बताया नहीं, जैसा अगले ने कहा वैसा हमने सेटल डाउन कर दिया. सर जबकि एज अ ऑडिटर मेरी तो ड्यूटी बनती थी ना कि वहां पे मैं ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करूं, बट मैंने कुछ भी नहीं किया. क्लियर? दिस इज फैमिलियरिटी थ्रेट. फॉर एग्जांपल लॉन्ग एसोसिएशन, सर 10 साल हो चुके आप हमारे से काम करवा रहे हैं, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन सीनियर इंप्लॉयज एंड द ऑडिट टीम. अरे सर 10 साल आपके साथ हो चुके काम करते हुए, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये चीज है तो आपको अभी भी ऑडिट एविडेंस चाहिए? आप ओ नहीं नहीं सर कमाल कर दी, मैं तो जस्ट वैसे पूछ रहा था, आपने कह दिया बहुत है. दैट मींस उस सीनियर इंप्लॉय का, उस लॉन्ग एसोसिएशन का आपके ऊपर क्या बना? दबाव बना, इन्फ्लुएंस बना, जिसके कारण आपने अपना चेकिंग पार्ट क्या कर दिया? छोड़ दिया. आपने भी मान लिया, सामने वाले पर्सन ने जो कहा आपने भी मान लिया.
नेक्स्ट इज अ पर्सन वर्किंग एज एट अ सीनियर पोजिशन इन द क्लाइंट कंपनी फॉर्मली बींग अ पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म। सर अब हमारी ही फर्म का वो बंदा था जो आपकी कंपनी में एक सीनियर पोस्ट पे है, तो नॉर्मली सर अब आप थोड़ी इतने लेवल पे आके झूठ बोलोगे। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। सर फैमिलियरिटी तो वैसे भी समझ आ रहा था कि जहां पे आपका और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, नॉट ओनली कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक फैमिली रिलेशंस हैं, क्लोज रिलेशंस हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैमिलियरिटी थ्रेट्स। यस, इंटिमिडेशन थ्रेट्स अराइज व्हेन अ प्रोफेशनल इज थ्रेटन्ड नॉट टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। क्लियर। और टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ हिज ऑडिट। कि बेसिकली सर मेरे तो ड्यूटी बनती है, मैं जब भी ऑडिट करने जाऊंगा मैं ऑडिट का अपना एक स्कोप बना के जाऊंगा कि मैं क्या क्या वहां पे चेकिंग करूंगा, किस किस पार्ट को मैं चेकिंग करूंगा, किस किस से मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, मैं एक प्रॉपर स्कोप फिक्स करके जाऊंगा। बट सर मैं क्या करूं जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपना काम करने ही नहीं दे रही, वो ऑडिटर के साथ कॉपरेट नहीं कर रही, ऑडिटर को असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, या ऑडिटर को बार बार कह रही है कि आप अपना काम परफॉर्म ना करो या अपना स्कोप ऑफ वर्क क्या करो, रिड्यूस करो। सर दिस इज कॉल्ड एज इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लियर। फॉर एग्जांपल थ्रेट टू डिसमिस और रिप्लेस द प्रोफेशनल इन केस ही रिफ्यूजेस टू एक्ट एज पर द विशेज ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट ने साफ बोल दिया कि अगर तुमने हमारे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ना करी हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे। सर वही बात आ गई ना, क्लाइंट खोने वाली। मैं कहता हूं जी मिलने के लेना फिर छोड़ो, पर बट सर कर तो गलत रहे हैं ना, जबकि ऑडिट तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे तुम्हें काम से निकाल दिया जाए कम से कम रिपोर्टिंग तो सही करो। बट नहीं सर, कई कई जगह ऐसी थ्रेट्स एंटर कर जाती हैं। क्लियर। थ्रेट्स ऑफ फाइलिंग अ सिविल और क्रिमिनल केस ऑन फॉल्स ग्राउंड्स की तू कर रिपोर्टिंग कर, मैनेजमेंट कह रही है हमें, और ओपनली होता है सारा कुछ, ये होता भी है, मैनेजमेंट खुद कह रही है कि तू कर जो रिपोर्टिंग करनी है कर, तेरे पे ना गलत केस डाल के तेरे को फंसाएंगे। अब इस तरह की थ्रेट्स एक सीए को मिल रही हैं, तो वो कैसे वो इम्पार्शियल होके काम करेगा? सर वो नहीं पार्शियल होएगा। अलग कहता है तू रिपोर्टिंग कर, तूने वो गलत किया था ना, तेरे पे केस करेंगे हम, सिविल या क्रिमिनल केस करेंगे तेरे पे। अलग कहता है कोई बात नहीं छोड़ो जी, फिर आप रिपोर्टिंग ही नहीं करते ऐसी। क्लियर। या थ्रेट टू यूज फिजिकल फोर्स और वायलेंस। सर लाइक कोशन अप्लाई करना। सर आपका लेवल इतना ज्यादा, मतलब हाई लेवल पे बात जा चुकी, वहां पे सर आप क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं सीए के ऊपर, इस तरह की थ्रेट्स मिल रही। क्लियर। सो ये कुछ हमारी थ्रेट्स थी, किस तरह की थ्रेट थी जो हमारी इंडिपेंडेंस के रिलेटेड आती हैं। कि सर वैसे तुमने तो बोल दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ने बोल दिया, कंपनीज एक्ट के 141 सेक्शन ने बोल दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने बोल दिया कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाउ शुड आई बिकम इंडिपेंडेंट? सर ये भी तो देखो कितनी थ्रेट्स हैं, मैं क्या करूं, किसी ना किसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसके सेफ गार्ड्स क्या हैं? सेफ गार्ड्स टू ओवरकम वेरियस थ्रेट्स। सेफ गार्ड मीन्स दोज मेजर्स विच आर इंप्लॉयड सो एज टू इंश्योर दैट वेरियस थ्रेट्स फेस बाय द ऑडिटर आर इलिमिनेटेड। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के सारे जो केसेज हैं वो इलिमिनेट हो जाए या रिड्यूस हो जाए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल तक। बिफोर टेकिंग अप एनी ऑडिट वर्क ऑडिटर शुड केयरफुली कंसिडर द प्रेजेंस ऑफ एनी थ्रेट। अब नॉर्मली सर कई बार हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं, कोई मान लो बहुत ही खास बंदा नॉन में अपना काम लेके आ गया, अब सर वो काम पकड़ते हुए हमें भी होता है माइंड में भी जो ये कहेगा करना तो पड़ेगा, बंदा बहुत खास है करें क्या। तो जब भी आप कोई ऑडिट वर्क असाइनमेंट पकड़ें तो उस टाइम अपना प्रॉपर ये चीज एक बार इंश्योर कर लें कि कोई थ्रेट आपके ऊपर तो नहीं आई। That means आप इंडिपेंडेंट होके क्या अपना काम कर पाओगे? ऐसा तो नहीं है कि इन पांच थ्रेट्स में से आप किसी में कवर अप हो रहे हैं। क्लियर। प्रेजेंस ऑफ एनी थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस, इफ थ्रेट्स आर देयर ही शुड इधर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वर्क और अडॉप्ट सेफ गार्ड्स टू इलिमिनेट सच थ्रेट। सर वैसे तो देखो जी, अगर मैं कहूं जी मैं काम छोड़ दूंगा, क्लाइंट को नहीं पकड़ूंगा, ये चीज तो भूल जाओ। काम तो मैं करूंगा बट अगले के साथ बैठ के मैं कोई ना कोई सेफ गार्ड, एक सही तरीका हम निकाल लेंगे कि मैं अगले को पहले बोल दूंगा जी कल को एक बात सुन लो, काम मैं आपका पकड़ लूंगा, काम मैं आपका करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी नहीं है, बट कल को अगर तुम कोई गलत काम करने को कहो, फलाने फलाने सर्टिफिकेट पे साइन करने को कहो, मैं नहीं करूंगा। अभी भी देख लो, काम देना है तो दो, नहीं देना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट कल को तुम मुझे मॉरली प्रेशराइज करो। तो हमने वो फर्स्ट डे जब एग्रीमेंट किया उससे टाइम ये क्या कर लिया, सही कर लिया। क्लियर? क्या इंप्लॉइंग द सेफ गार्ड एंश्योर दैट अनएथिकल बिहेवियर इज आइडेंटिफाइड एंड अवॉइडेड, कि बेसिकली जो अनएथिकल बिहेवियर होगा सर उसको मैं अवॉइड कर सकता हूं आज ही, स्टार्टिंग के डे ही। क्लियर? दी सेफ गार्ड आर जनरली क्रिएटेड बाय द प्रोफेशन, लेजिस्लेशन और रेगुलेशन लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्री इन टू प्रोफेशन। बिल्कुल सर, अब हर पर्सन प्रोफेशनल तो बन नहीं सकता सर, उसको प्रोफेशनल बनने के लिए वेरियस एजुकेशन, वेरियस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके वो एक प्रोफेशनल काउंट होगा। अब मेरे पास, मैं अगर नॉर्मली कहूं सर मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास ट्रेनिंग है, बट सर नॉट टू मच एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैं कह रहा हूं जी मेरे को 20 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। बट सर डे बाय डे जैसे 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 काम करते जाएंगे एक्सपीरियंस आता जाएगा। अब सर नॉर्मली ये थोड़ी मतलब ऐसे ये बंदा बन गया तो मतलब एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स कर कर क्या आएगा? जब तक वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स नहीं होंगे, तब तक आपको एक्सपीरियंस कैसे आएगा? क्लियर? लेजिस्लेशन गवर्निंग इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोफेशनल, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट के ये कुछ सेक्शंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आपको गाइड करेंगे सो दैट आप अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखें। डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द प्रोफेशनल, जैसे सर सीए एक्ट ने एक पीई प्रोफेशनल एथिक्स वहां पे बनाए हुए हैं जो हमें सिलेबस के पार्ट में पढ़ाए जाते हैं, स्पेशली पढ़ाए जाते हैं, एंड आपको बताया जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, क्या क्या काम आपके लिए एथिकल है, क्या क्या चीज आपके लिए अनएथिकल है, एंड अगर आपने अनएथिकल काम किया तो आपके ऊपर क्या क्या पनिशमेंट्स लगेंगी, आपकी सस्पेंशन के बारे में, आपके ऊपर फाइंस जो लगेंगे सर वो सारी थिंग्स आपके लिए दी होती हैं। एंड नेक्स्ट ऑन एक्सटर्नल रिव्यू ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द प्रोफेशनल, सो बाय द प्रोफेशनल बाय अ थर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल सर इवन सीए का भी ऑडिट होता है, सीए का भी ऑडिट होता है, हमारी जो फर्म होती है उसको वर्ड बोलते हैं पीयर रिव्यू। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग टू, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग टू जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं, जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं, एक नंबर ऑफ टाइम के बाद जब एक लेवल क्रॉस कर जाती है ना, जो बड़े लेवल की फर्म्स होती हैं सर, उनका भी ऑडिट किया जाता है बाय अनदर सीए। दैट मीन्स कोई दूसरा सीए आके मेरे सारी फर्म की बुक्स को देखेगा कि मैं कोई मतलब गलत काम तो नहीं कर रहा, मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क चेकआउट करेगा, मेरे एक्सटर्नल रिव्यू करेगा वो, कि अगर मैं ऑडिट करता हूं तो ऑडिट कैसे करता हूं, मेरी अप्रोच क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मैं करता हूं। दैट मींस इवन मेरे वर्क के ऊपर भी सुपरविजन रखी जाती है। तो सर जब इस तरह के जब सेफगार्ड्स होंगे, मैं क्लाइंट को पहले बोल दूं भाई तू जितना भी खास है, तू जितना भी खास है, सही काम जितने मर्जी करवा, गलत काम एक भी नहीं करूंगा। कहीं ये सोचे कि तू मेरे से काम करवाने इसलिए आ रहा है कि कल को अगर कोई सर्टिफिकेट साइन करवाने पड़ गए या कोई इधर उधर का काम करवाना पड़ गया तो ये अपने आप कर देंगे, भूल जा, मैं नहीं करूंगा। सही काम जितने मर्जी करवा, जो मेरे लिए एथिकल है एथिकल है, अनएथिकल काम एक भी नहीं करूंगा। ये चीज, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सर एक छोटा सा ये बेसिकली रिलेशनशिप है जो मैं आपके नॉर्मली यहाँ पे कवर अप नहीं करूंगा, बिकॉज ये एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आपका कोई वैसे पार्ट नहीं है, दिस इज फॉर नॉलेज। नॉलेज किस तरह की नॉलेज सर? बेसिकली सर ऑडिटिंग का जो अदर फील्ड्स हैं लाइक अकाउंटिंग, लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, कंप्यूटर, बिजनेस ऑपरेशंस, सर इनके साथ इनका क्या रिलेशन है? दैट मीन्स जो अदर डिसिप्लिन्स हैं, अदर फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स के साथ ऑडिट का क्या रिलेशन है? जैसे कह रहा हूं ये ऑडिट करते हुए इकोनॉमिक्स कैसे काम आएगी, ऑडिट करते हुए लॉ कैसे काम आएगा, और ये ऑडिट ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें सारे फील्ड्स की आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। अरे सर ऑडिट करने का मतलब क्या था? एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन करने का मतलब सर गलतियां निकालना। गलतियां तो सर मैं तब निकाल पाऊंगा ना अगर मुझे भी हर फील्ड की क्या होगी, प्रॉपर नॉलेज होगी। क्लियर? अगर मेरे पास भी हर डिसिप्लिन की नॉलेज होगी, हर फील्ड की नॉलेज होगी, तभी मैं आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊंगा, तभी मैं आपकी कोई गलतियां निकाल पाऊंगा, तभी मैं आपकी मिस्टेक्स को सही करवा पाऊंगा। तो सर वैसे ऑडिट करते हुए आपको नॉर्मली सर एक तो अकाउंट्स की नॉलेज चाहिए,
सर आपको लॉ की नॉलेज चाहिए, सर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए, कॉस्टिंग की नॉलेज भी आपको चाहिए, टैक्स की नॉलेज आपको चाहिए, मतलब कई फील्ड तो मैंने आपको बता दिए। कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए सर, क्योंकि आजकल सर सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होता है, जितनी भी डाटा प्रोसेसिंग होती है सारी किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर के थ्रू होती है, इवन ऑडिट भी सर कंप्यूटर के थ्रू होने लग गया। तो नॉर्मली सर जितने भी, अब इवन आप यहाँ पे मैनेजमेंट का भी आना चाहिए पार्ट, क्योंकि सर मैनेजमेंट भी तो आपको ऑडिट में काम आएगी। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर। बिहेवियरल साइंस ये भी आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि सर आपको मैनी पर्सोनल के साथ डील करना है ऑडिट करते हुए। मे बी सर आपको पता नहीं किस किस तरह के लोग वहां पे मिलेंगे जिनके साथ आपने क्वेरीज शेयर करी हैं, जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पता नहीं सर कौन सा पर्सन किस नेचर का है, उसके साथ कैसे डील करना है। तो बिहेवियरल साइंस भी आपको क्या करेगी, काम करेगी। सर समटाइम्स जो क्लाइंट होगा ना, या क्लाइंट के जो नेक्स्ट आगे स्टाफ होगा, वो कॉपरेटिव नहीं होगा, वो जल्दी जल्दी आपको मतलब कभी चीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, कभी डॉक्यूमेंट्स टाइमली नहीं देंगे। तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट निकलवाने कैसे हैं, सामने वाले पर्सन से इंफॉर्मेशन कैसे निकलवानी है सर, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, ये चीज तो भी आपको आनी चाहिए। यू मस्ट बी टैक्टफुल, यू मस्ट बी टैक्टफुल, तुम्हें टैक्ट आना चाहिए काम निकलवाएं कैसे, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज सर लॉजिक्स, लैंग्वेज, हर चीज सर। काम क्या नहीं आएगा सर, मुझे ये तो बताओ कि इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं, इतने सारे मतलब हमारे पास फील्ड्स हैं, तो ईच एंड एवरी फील्ड की नॉलेज मुझे होनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक ये नॉलेज आपके पास नहीं होगी, इन फील्ड्स के बारे में आपको नहीं पता होगा सर, मे बी शायद आप ऑडिट प्रॉपर वे से ना कर पाए। हर पर्सन कह तो देता जी ऑडिट सबसे सौखा काम है, कि जाके जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगले की चेक करके आओ। अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो भी तब चेक करोगे, ओवरऑल जितनी वर्किंग चल रही है तभी आप चेक करोगे, अगर आपको उसकी नॉलेज है, अगर आपको हर फील्ड की वहां पे नॉलेज है, नहीं अदरवाइज तुम भी कैसे कर पाओगे। इज दैट क्लियर। तो ये जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ शेयर किया, अदरवाइज इतनी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट एक नॉलेज पर्पज के लिए एक एक लाइन जो अपनी है अंदर से रीड आउट कर लेना, कि इस फील्ड से हमें क्या नॉलेज मिलेगी, लॉ से क्या नॉलेज मिलेगी, टैक्स के क्या नॉलेज मिलेगी, अकाउंट से हमें क्या नॉलेज मिलेगी, मैथमेटिक्स सर मैथमेटिक्स से मतलब ऑडिटिंग का क्या रिलेशन हुआ। सर जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सारी मैथमेटिकली तो है, जितनी भी तुमने कैलकुलेशंस करी वो सारी मैथमेटिकली तो है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ऑडिट का मैथमेटिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल है सर, क्लियर। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। आइए सर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस यहां पर रीड आउट करते हैं। यस, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मेरा काम तो सर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड आफ्टर दैट समराइज करना, क्लियर, उसकी समरी निकालना मेरा काम तो सर जस्ट ये है। बट ऑडिटिंग का काम क्या है सर, वही जो आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी, क्लासिफाई करी, समराइज करी, उनका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, उनको चेकिंग पार्ट के थ्रू से देखना, दैट इज ऑडिटिंग। इट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, सो दैट आप उसके ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। फंक्शन, इट रिकॉर्ड्स, सर ये रिकॉर्ड करता है, ये रिव्यू करता है, दोनों में फर्क है। बाय हुम, सर ये कोई भी पर्सन कर सकता है जिसके पास अच्छी नॉलेज है अकाउंटिंग की, बट स्टैचुटरी ऑडिटेड ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट सर ऑडिट सिर्फ एक सीए करेगा, ये तो नॉर्मल कोई भी एक पर्सन जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है वो पर्सन वहां पे अकाउंटेंट बन सकता है। अकाउंटिंग एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है, बट ऑडिटिंग एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होती है। सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स को मेंटेन करना, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये मैनेजमेंट की है, और यहां पे सारी ऑडिट को एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में करना, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर यहां पे पर्सन अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए, यहां पे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग दोनों का एक्सपर्ट होना चाहिए कम से कम। टाइम ऑफ अक्रेंस, सर अकाउंट्स पहले बनाए जाएंगे एंड उसके बाद आपकी ऑडिटिंग करी जाएगी, तो नॉर्मली सर टाइम ऑफ अक्रेंस पता है कि जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी तब तक नेक्स्ट आगे ऑडिटिंग कैसे होगी। ऑडिटिंग को पहले तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऑडिटिंग किसकी होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां पे होगी, अकाउंटिंग के अंदर।
तो पहले क्या होगी अकाउंटिंग, बाद में क्या होगी ऑडिटिंग, इज दैट क्लियर? ओके यस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड बाय द ऑडिटर, या कहने का मतलब ऑडिटर्स के फंक्शन, कि बेसिकली क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं ऑडिट के अंदर। यस, नंबर वन इज सर, एक तो एग्जामिनेशन करना, किसकी सर, अकाउंटिंग सिस्टम की, एंड एक वर्ड आपके लिए नया आया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये भी अपने आप में दो सिस्टम होते हैं, वन इज अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें आप ये अकाउंटिंग कर रहे हैं सारी, और एक होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दैट मीन्स आपका काम करने का तरीका, यहां पे इंटरनली क्या सिस्टम लगा हुआ है तुम्हारा, प्रोसेस, काइंड ऑफ प्रोसीजर वर्ड बोल सकते हैं, कि यहां पे जो अगर अकाउंटिंग होगी, ये यहां पे दैट मीन्स जो भी वर्क होगा वो कौन किसको रिपोर्ट करता है, तो वो जो इंटरनल कंट्रोल्स यहां पे लगे हुए हैं उनको चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? टू एंश्योर अबाउट देयर अप्रोप्रिएटनेस, कि वो बेसिकली अप्रोप्रिएट हैं। बुक्स को चेक करना सो दैट उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देख सके। एविडेंस कलेक्ट करने, एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बना रखे हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री, जैसे सर वाउचर्स मेंटेन करना, बिल्स मेंटेन करना, क्या आपने प्रॉपर मेंटेन किए हुए हैं। फुल इंक्लूजन करना, फुल इंक्लूजन मतलब चेकिंग वेदर ऑल द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसे हम वर्ड बोलते हैं कंप्लीटनेस ऑल्सो, इसको आप वर्ड कंप्लीटनेस भी बोल सकते हैं, कि सारी एंट्रीज को प्रॉपर वे से उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉपरनेस, एग्जामिनिंग वेदर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एफएस इज प्रॉपर एंड इट डज नॉट कंटेन एनी एरियस एंड फ्रॉडलेंट एंट्री, दैट मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन यहां पर रिकॉर्डेड है वो अपने आप में प्रॉपर है, कोई भी यहां पे फ्रॉडलेंट एंट्री यहां पे रिकॉर्डेड नहीं है, इस चीज को इंश्योर करना। नेक्स्ट इज सर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज करना, कि एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती हैं, दैट मीन्स इन एग्जिस्टेंस हैं, उनकी वैल्यूएशन, उनके डिस्क्लोजर के बारे में, उनकी कंप्लीटनेस के बारे में। क्लियर? एंड स्टेचुटरी कंप्लायंस, सर जो भी लॉ के अकॉर्डिंग टू आपके कंप्लायंसेस बनते हैं, जिसे हम वर्ड बोलते हैं FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग टू, सर लाइक इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स, GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, एंश्योर कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद देयर रेलेवेंट स्टैट्यूट, क्योंकि बैंकिंग के ऊपर बैंकिंग एक्ट लगेगा, इंश्योरेंस वाले के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट लगेगा, तो उन एक्ट के अकॉर्डिंग टू जो स्टेचुटरी कंप्लायंस बनते हैं, क्या आप वो स्टेचुटरी कंप्लायंस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर्स, एग्जामिनिंग वेदर द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिस्क्लोज्ड प्रॉपरली एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टू आपने सारे डिस्क्लोजर्स, जो मटेरियल आइटम्स का डिस्क्लोजर देना चाहिए था, क्या वो मटेरियल आइटम्स का डिस्क्लोजर आपने प्रॉपरली प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इज ट्रुथ एंड फेयरनेस, चेकिंग वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन द रिक्वायर्ड फॉर्म, मतलब जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, उसकी प्रेपरेशन होनी चाहिए थी, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो एक ऑडिटर ने अपनी फंक्शंस के अंदर क्या करने होते हैं, कवर करने होते हैं। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली सर ये तो हमारा बहुत एक सिंपल सा टॉपिक था, मेन टॉपिक तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं आपको वैसे ही बताता जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, कि दैट मीन्स एक ऑडिट करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स बनाए गए, दैट मीन्स एक ऑडिटर किन प्रिंसिपल्स के ऊपर अपना एक ऑडिट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स जो गवर्न करेंगे, जो रूल करेंगे एक ऑडिट के ऊपर। क्लियर? दैट मीन्स जो गाइड करेंगे कि एक ऑडिट कैसे होना चाहिए, किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके होना चाहिए। आई थिंक 9 या 10 पॉइंट्स हैं हमारे, 9 पॉइंट्स, बिल्कुल सही, 9 पॉइंट्स हमारे हैं। तो आज ये वाला टॉपिक हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एंड एक छोटा सा क्वालिटीज है सो दैट इसको हम टाइमली, थोड़ा प्रॉपर वे से साथ साथ स्पीडली भी चलते जाएं, एंड अपना सिलेबस कवरेज भी ठीक रहे। क्लियर? यस सर। आइए बेसिक प्रिंसिपल्स में नंबर वन इज, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लैंग्वेज आपकी पढ़ी होगी, सिंपल, एंड वन थिंग आई शुड मस्ट एश्योर यू, कि बेसिकली जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको रीड करेंगे ना,
एक बार इसको प्रॉपरली रीड आउट कर लेना पूरी ऑडिटिंग को, कहने का मतलब जैसे भी आप पढ़ रहे हो उसको साथ साथ जब आप इसको दोबारा रीडिंग देंगे ना तो आपको क्वाइट ईजी लगेगी। अगर वन टाइम आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जैसे अब इनको फाइनल टच की तरह अगर आपने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रीड करेंगे ना तो आपको क्वाइट ईजी लगेगी कि सर सारी ही वर्डिंग टिल लास्ट तक सेम चल रही है, टिल लास्ट तक सर एक ही वर्डिंग है, दैट मीन्स यहां पे कभी ये वर्ड बोल दिया कभी वो वर्ड बोल दिया बट अल्टीमेट मीनिंग वही है। अब पहला क्या है सर, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, कि जो एक ऑडिटर है वो फुल इंटेग्रिटी के साथ विदाउट एनी पार्शियलिटी फुल इंडिपेंडेंट होके अनबायस्ड मैनर में क्या करे, काम करे। तो वही तो पॉइंट्स हैं, क्या ऑडिटर शुड बी, क्या होना चाहिए सर, जस्ट अ मिनट, अब थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लें, ज्यादा हो गया, हाँ जी सफिशिएंट है। ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज प्रोफेशनल वर्क, मतलब सर मेरे काम में कमी नहीं है, आपने तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो काम करना है ऑनेस्टली सिंसियरली मैंने अपना काम करना है, क्लियर। नंबर टू, ही शुड बी फेयर एंड मस्ट नॉट बी बायस्ड, ये आपका वर्ड क्या था, ये आपका वर्ड क्या था सर, ऑब्जेक्टिव, कि दैट मीन्स अनबायस्ड वे से मैं क्या करूं अपना काम करूं। ही शुड मेंटेन इम्पार्शियलिटी, ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑफ एनी इंटरेस्ट। सर एक्चुअली फर्स्ट वर्ड आपका क्या हुआ, इंटेग्रिटी, सेकेंड वर्ड आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी, क्लियर, एंड थर्ड क्या हुआ, इंडिपेंडेंस, तीनों का एक एक पॉइंट उसने बना के दे दिया। नेक्स्ट इज सर कॉन्फिडेंशियलिटी, सबसे सुप्रीम रूल, हमारे काम का सबसे अहम रूल, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब सर इधर की बात उधर नहीं होगी एंड उधर की बात इधर नहीं होगी, आप ये मत समझना कि दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई बात पहुंची, आपने अपनी कोई लूप होल्स, आपने अपना कोई वीक पॉइंट बताया तो मैं किसी और के साथ ये शेयर करना शुरू कर दूंगा, मेरी ऐसी बात नहीं, मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, बिकॉज सर कॉन्फिडेंशियलिटी इज आवर फर्स्ट रूल ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशनल एथिक्स में जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसमें सबसे पहला रूल क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं तुम्हारी तुम्हारी क्लाइंट की बात किसी दूसरे के पास कभी नहीं करूंगा और किसी दूसरे की बात तुम्हारे आगे कभी नहीं करूंगा, ये हमेरा हमेशा रूल। अब लेट इट बी सर तुम्हारी मेरी क्या सेटिंग हुई है, तुम्हारी आपस में मेरा साथ क्या लेना देना है, ये मैं किसी दूसरे का शेयर नहीं करूंगा, एंड दूसरे के साथ क्या सेटिंग हुई है मैं कभी आपके सामने शेयर नहीं करूंगा, क्लियर। ही शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज वर्क। सर अब 100 तरह के पॉइंट होते हैं जी, मुझे भी पता कि आपके काम की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अब मैं अगर ये जने खाने को बताने लग गया फिर तो सर वो गलत फायदा उठाएगा, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने आपकी इंफॉर्मेशन उसको बताई। यार 100 तरह के पॉइंट्स हैं, लाइक डॉक्टर लॉयर एंड सीए, डॉक्टर लॉयर एंड सीए, ये तीन प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पे हर पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स वीक पॉइंट्स क्या करता है, शेयर करते हैं। अगर ऐसे मेरे वीक पॉइंट्स को आप दूसरों के साथ डिस्कस करने लग गए सर फिर तो क्या फायदा हो गया, यार मैं अपनी घर की प्रॉब्लम, मैं अपनी खुद की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप मेरा मजाक बना रहे हो दूसरों के सामने, ये थोड़ी बात है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखो। यस ही शुड नॉट डिस्क्लोज एनी सच इंफॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी विदाउट स्पेसिफिक परमिशन। हाँ मेरी परमिशन ले ले, मेरे से पूछ के बात कर, किसी के साथ तूने शेयर करना है ना मेरे से पूछ के कर, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट स्पेसिफिक परमिशन ऑफ क्लाइंट और लीगल, और या फिर जहां पे आपकी लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है डिस्क्लोज करना, सिर्फ दो एक्सेप्शंस दी। पहली बात तो तुम करोगे नहीं, अगर करनी भी है मेरी परमिशन लेके करो, या फिर तुम्हारी लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी बनती थी डिस्क्लोज करना, इसीलिए तुमने डिस्क्लोज किया, इसीलिए तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ी, अदरवाइज किसी भी काम में तुम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करोगे। सर बहुत तगड़ा केस है इस चीज के ऊपर अगर तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच किया, क्लियर, तो दैट मींस आपके ऊपर बहुत तगड़ी पनिशमेंट है इस चीज की, कभी भी ऐसा पर्सन कभी ऐसे काम नहीं करेगा, क्लियर। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ही शुड परफॉर्म वर्क विद ड्यू प्रोफेशनल केयर। सर आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ पूरी प्रोफेशनल केयर के साथ करेंगे। ऑडिट शुड बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन हैविंग एडिक्वेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस। दैट मींस यहां पे सर आपके पास
सेट होना चाहिए CET, कॉम्पिटेंस एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। कुछ ना शॉर्ट वर्ड्स आपको मेमोरी टेक्निक्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी मेमोरोनिक टेक्निक्स आप यहां पे यूज करेंगे उतनी इजीली आपको ये वर्डिंग एज इट इज क्या होगी, लर्न होगी। जैसे सर, ऑडिट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय सेट। सेट क्या हुआ सर? कंपिटेंट पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन एंड ट्रेन्ड पर्सन। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट इज वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। सर वैसे देखो कुछ जरूरी तो है नहीं कि मैं सारे का सारा काम खुद परफॉर्म करूंगा। अब नेचुरली CA फर्म में आर्टिकल्स तो भी होते हैं, तो सर मैं अपना काम अगर आर्टिकल्स के थ्रू करवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। द ऑडिटर कैन डेलीगेट कर सकता है अपने असिस्टेंट्स को, या यूज वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। मे बी सर मैं किसी का, जो मेरे अदर एक्सपर्ट्स हैं लाइक CS CM में, उनका काम या एडवोकेट्स, उनका काम मैं यूज करूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओपिनियन। मुझे नहीं पता कि आपने किसकी हेल्प ली, आपने खुद काम किया या नेक्स्ट आगे डेलीगेट किया अपने आर्टिकल्स को। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम्हारी। आप कल को कहो जी मैंने तो काम ही नहीं किया था, मैंने तो उस बंदे से, वैल्यूअर से सर्टिफिकेट लिया था, उसके अकॉर्डिंग टू वैल्यू डाल दी, या मैंने तो काम ही नहीं किया था, मैंने तो आर्टिकल से काम करवाया था। हमें नहीं पता। हम तो ये कहेंगे कि ओपिनियन तुम्हारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी। क्लियर। द ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स प्रोवाइडेड। पहली बात सर, जैसे मान लो CS ने काम करके दिया, CMA ने काम करके दिया, या कोई एक्चुअरी था या कोई वैल्यूअर था, उन्होंने जो काम करके दिया, मैं उनके काम के ऊपर रिलाई करूंगा, विश्वास करूंगा, प्रोवाइडेड ही एक्सरसाइजेज एडिक्वेट स्किल्स एंड केयर। मतलब उस बंदे ने जो काम किया वो प्रॉपर स्किल एंड केयर के साथ किया, एंड देयर इज नथिंग टू डाउट, एंड मुझे भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो आपके द्वारा किया गया काम, आर्टिकल के द्वारा किया गया काम, या किसी दूसरे एक्सपर्ट या ऑडिटर के द्वारा किया गया काम, मैं रखूंगा, मैं उसके ऊपर विश्वास भी करूंगा, बट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल वर्क। किसी को कोई मतलब नहीं है कि मैंने काम डेलीगेट किया या किसी दूसरे पर्सन का यूज किया। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल वर्क। क्लियर। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। सर ऑडिट का सबसे बढ़िया रूल, एंड इवन ऐसे भी पढ़ेंगे इस चीज के ऊपर आप, कि सर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी बहुत जरूरी है। ईच एंड एवरी चीज का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने ये काम किया। ही शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स रिलेटिंग टू द ऑडिट, दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनिंग वर्किंग पेपर्स। सर आप अपने वर्किंग पेपर्स मेंटेन करेंगे, आप अपनी फाइल बनाएंगे, सो दैट कल को आप ये प्रूव कर सको कि आपने ये सारी थिंग्स वहां पे करी थी। क्लियर। वर्किंग पेपर्स आर मेंटेन्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द ऑडिट वॉज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स। कि कल को मैं खुद प्रूव कर सकूं कि मैंने जो काम किया था वो प्रॉपर प्रॉपर एक वे से किया था, दैट मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स किया था। तभी तो बेसिक प्रिंसिपल्स में वर्ड क्या आया? डॉक्यूमेंटेशन। कि आपने ईच एंड एवरीथिंग की डॉक्यूमेंटेशन वहां पे क्या करनी है? मेंटेन करनी है। नेक्स्ट इज प्लानिंग। सर ही शुड प्लान हिज वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान हिज वर्क टू कंडक्ट ऑडिट इन इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। एक प्लान बना के चलो कि कितने दिन के अंदर वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, कितने दिन के अंदर वो वर्क आपको पूरा करना है। क्लियर। प्लान्स शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। एंड पहले सर उस प्लानिंग करने के लिए आपको क्लाइंट के बिजनेस को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप क्लाइंट के बिजनेस को नहीं समझोगे, प्लानिंग किसकी करोगे? तुझे क्या पता अगले के क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा? पहले पता तो कर क्लाइंट का बिजनेस है क्या, उनका वर्किंग क्या है। नेक्स्ट इज प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड। वो तो सर चलता रहेगा, एक बार बेसिक प्लान तो बने, ड्यूरिंग ऑडिट इफ सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड। वो तो सर टाइम टू टाइम प्लानिंग चेंज होती रहती है। ऑडिट एविडेंस, यस, ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट। सर सफिशियंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, क्वांटिटी। क्लियर। एंड अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। दोनों चीज होनी चाहिए। ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। मतलब ये दो प्रोसीजर्स लगा के, ये सारी चीज आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगा। आप कहोगे सर ये तो फर्स्ट चैप्टर वाली वर्डिंग दोबारा आ रही है ही, मैं तो आपको वर्ड बोल रहा हूं कि टिल लास्ट तक आपको यही कहूंगा कि सर ये चीज आपने पढ़ी हुई है। क्लियर। कि कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगा के आप अपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दैट मीन्स सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या करें?
कंप्लीट करें. इन शॉर्ट वी कैन से SAAE. क्लियर. एविडेंसेस एनेबल द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन. अरे सर, ये एविडेंस ही तो हैं जिनके बेसिस पे मैं अपनी ओपिनियन बना पाऊंगा, जिनके बेसिस पे मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊंगा. अदरवाइज मुझे क्या पता कि वहां पे क्या चल रहा है, या मैं ऐसी थोड़ी कि हाँ जी हाँ उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, किसी बेसिस पे तो दूंगा ना मैं. नेक्स्ट इज कंप्लायंस प्रोसीजर्स मीन्स द टेस्ट डिजाइन टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट इंटरनल controls have been properly designed operating effectively throughout the year. मतलब compliance procedure के बारे में हल्का सा यहाँ पे बता गया कि compliance procedure कौन से होते हैं. वो procedure जो आपको reasonable assurance provide करें कि जो आपके internal controls वहां पे लगाए हुए हैं, जो organization के अंदर internal controls लगे हुए हैं, वो properly designed हैं, मतलब proper way से लगाए हुए हैं and effectively हैं एंड थ्रू आउट द ईयर उनकी कॉन्टिन्यूटी है, मतलब पूरा साल 24x7. क्लियर. या 12x365 जैसे भी आ कहते हैं, 12 महीने 365 दिन. सर एवरीथिंग इज प्लैंड, एवरीथिंग इज प्रॉपरली मेंटेन्ड डिजाइंड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. एंड सेम थिंग सर सब्सटेंसिव प्रोसीजर आपको क्या करेंगे, सर ये आपको वो ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेंगे एज टू द कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम. सर वैसे भी दो ही सिस्टम आपने कहे थे, एक अकाउंटिंग सिस्टम कहा था और एक आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहा था. तो अकाउंटिंग सिस्टम को चेकआउट करके वेरीफाई करना, एविडेंस कलेक्ट करना कि जो अकाउंटिंग सिस्टम आपने लगाया हुआ है वो एक्यूरेट एंड वैलिडेट है, तो वो चीज आपको कौन देगा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स. एंड इवन इसके दूसरे नाम है, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल. क्लियर. एंड इसको वर्ड बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल. क्लियर. सो नेक्स्ट इज अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. अगेन सर इंटरनल कंट्रोल इंश्योर्स दैट द अकाउंटिंग सिस्टम इज एडिक्वेट एंड दैट ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही आपको एश्योर करता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम हमने लगाया हुआ है वो प्रॉपरली लगाया हुआ है, एडिक्वेट है एंड सारा का सारा रिकॉर्ड properly recorded है, जितनी भी accounting information है वो duly recorded है. The auditor should understand the accounting system and related internal controls adopted by the management. सर आपको ये जरूर समझने चाहिए कि पहली बात तो organization के अंदर organization ने कौन सा accounting system, clear, plus internal control सिस्टम जो लगाया हुआ है, पहले तो सर आप इसको प्रॉपरली क्या करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब तक ये आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको प्रॉपरली बिजनेस की नॉलेज नहीं मिलेगी. ही शुड स्टडी एंड इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू डिटरमिन नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. बेसिकली सर जब तक मैं इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को नहीं समझूंगा कि वहां पे वर्किंग चलती कैसे है, तो मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर की नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट कैसे डिसाइड कर पाऊंगा, ये बात बताओ. सर मैंने ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉपरली समझा नहीं, अरे कम से कम मुझे पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो बता दो कि कौन सी रिपोर्टिंग कहां से मिलेगी, कौन पर्सन क्या काम करता है. तो इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझे बिना मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर की नेचर टाइमिंग एक्सटेंट मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगा. तो उसको समझने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए मुझे पहले इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का. क्लियर. एंड द लास्ट इज ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग. द ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर. मतलब आप अपने प्रोसीजर लगा के जो ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करेंगे, वो तो दो ही प्रोसीजर थे सर, एक कंप्लायंस प्रोसीजर था और एक सब्सटेंसिव था. दोनों को लगा के जो ऑडिट एविडेंस मैंने इकट्ठे किए उनके बेसिस पे मैं अपना कंक्लूजन निकालूंगा एंड रिपोर्टिंग आपको दे दूंगा. द ऑडिट रिपोर्ट शुड कंटेन क्लियर रिटन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि बेसिकली क्लीन है, अनमॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है, क्वालिफाइड है, जो ओपिनियन देनी है दो, बट क्लियरली बताओ क्या चीज है. हिज रिपोर्ट इज ऑन वेदर. सर वही चीज डीआरपी मैं यहां पे नहीं पढ़ा रहा, सर मैंने ओपिनियन में स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था एंड लॉट ऑफ टाइम बताऊंगा जहां पे वर्ड आ गया ना
कि मेरी ओपिनियन किस चीज के रिगार्डिंग होगी सर, एक तो डिस्क्लोजर के रिलेटेड क्लियर, एंड एक रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनना, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी क्या उनको कंसिस्टेंटली फॉलो किया। यही तीन पॉइंट्स आपके बार बार, जिसको मैं शॉर्ट वर्ड बोलता हूं डीआरपी, क्लियर। द रिपोर्ट शुड बी एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब सर एप्लीकेबल FRF। सर अरे सर, फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में हमें बहुत फर्क लग रहा है, क्योंकि सर फर्स्ट लेक्चर में जो टर्म्स हमने सुनी थी सेकेंड लेक्चर के अंदर वही बिल्कुल रिपीटिंग लग रही है। तुम देखते जाओ टिल लास्ट तक अगर तुम इसको प्रॉपर वे से चलाओ, दैट मीन्स जितनी वर्डिंग हम आज पढ़ चुके हैं या नेक्स्ट आगे भी पढ़ेंगे सर, इसको अगर साथ के साथ बनाते रहो ना, तो आप ये कहोगे सर ऑडिट सबसे इजी है। इज दैट क्लियर? एंड यहां पे जो आप आज 9 पॉइंट्स आपने पढ़े, क्लियर, इसकी अगर एक शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली बनाना चाहूं सर, इसकी अपर शॉर्ट वर्ड बनेगा ICSPWD AAA। क्लियर, ये 9 पॉइंट्स है हमारे पास, 9 पॉइंट्स का शॉर्ट वर्ड ICSPWD AAA। आई फॉर फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लियर। एस फॉर स्किल एंड कॉम्पिटेंस। पी फॉर प्लानिंग। डब्ल्यू वर्क फ्रॉम अदर्स, क्लियर, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ए फॉर ऑडिट एविडेंस, एंड ए फॉर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, एंड ए फॉर लास्ट ऑडिट रिपोर्टिंग। क्लियर, तो नॉर्मली इसको आप जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग टू यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको जस्ट तीन पॉइंट्स का एक शॉर्ट वर्ड बना दिया, सो दैट आप इसको इजिली 9 पॉइंट्स को, 9 के 9 पॉइंट्स को लर्न कर सकें, ICSPWD AAA। क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहां से नए टॉपिक से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और यही 9 पॉइंट्स हल्के से डिस्कस आपको दोबारा करवाऊंगा, सो दैट आपकी रिविजन भी प्रॉपरली साथ साथ चलती जाए। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।